हेलो गाइस, तो अभी आया हूँ मोपुन वाटरफॉल में। तो ये देखिए, यहाँ से ट्रैकिंग शुरुआत होगा। और इस बार अकेला नहीं आया हूँ, आज पूरा जैन भी मुगला आया है। तो आपको घुमा के मैं दिखाता हूँ, पीछे है, अरे इधर तो देखो, और आगे है हमारा मिस्टर आर्टिस्ट एडी, और आगे पूरा फैमिली है सब। तो जैसे आपको मालूम है, मेघालय में कोई भी वाटरफॉल जाना है तो थोड़ा सा ट्रेक करके जाना होगा। और ये मोपुन वाटरफॉल जो कि इस जयंते हिल्स में है और जोआई से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे है। अरे भाई, शुरुआत हो चुका है ना, आ रहा हूँ। ब्लॉगर है नामी ब्लॉगर है अभी है? बहुत ही फेमस ब्लॉगर, बहुत व्यू आ रहा है तो देख रहा हूँ। अब जस्ट स्टार्टिंग हुआ है तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आप पीछे रहिए। और ये देखिए हमारा मिस्टर मैथमेटिक्स इधर, और ये मिस्टर एबी, और ये जूनियर एबी, पानी बहा ना नहीं बहा, अरे मिस्टर झा दोबारा जूनियर था, जूनियर, और ये जूनियर मैथमेटिक्स, अरे नाम तो बता दो अपना। आशीष सिंह राजावत भाई, आशीष सिंह राजावत, सुजीत सोनी मुरैना वाले, चलो सब जीत कलकत्ता वाला, और ये हमारा मिसेस एबी और मिसेस मैथमेटिक्स, और मैं हूँ अपना बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जो ब्लॉगर यानी मिस्टर SH। डांस चल रहा है, सारा भी हो गई आहा। अब मैं पीछे हो गया, तो भाई और थोड़ा सा ट्रेक करके जाना होगा नीचे, और नीचे जाने के बाद आपको दिखाऊंगा मोपुन वाटरफॉल का जो व्यूज। तो ये आपको सामने से दिखाई देगा, ये है मोपुन वाटरफॉल, और थोड़ा सा नीचे जाना होगा, और ऐसे सीढ़ियाँ बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ट्रेक करके जाना है। ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं 3 बार आ चुका हूँ। तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रैक था, और ये वाटरफॉल का जो नीचे वाला पोर्शन वहाँ पर आ गया हूँ। भाई ये वाला तो नया बनाया भाई, है ना, बेम्बो वाला अभी बना दिया है, छोटा सा पुल, पहले तो था नहीं, पानी बिल्कुल नहीं है वाटरफॉल में, अभी कहाँ मार्च महीने में पानी रहेगा। ये देखिए भाई, आराम से आ जाओ, आराम से देखो, मैम को देखो, यो कर दो बेटा, यो इधर इधर, यो यो कर दो, यो क्या। तो देखिए मेरा पीछे है ये वाटरफॉल, मोपुन वाटरफॉल। ये वाटरफॉल काफी सुंदर है, और आप देख सकते हो ये पूरा बिल्कुल सैंड बैंक है। तो मेघालय में मैं अभी तक जितना वाटरफॉल देखा हूँ, हर वाटरफॉल का जो बेड है काफ़ी रॉकी है, लेकिन ये वाला पार्ट में आपको बालू मिलेगा, तो स्विमिंग के लिए सबसे मस्त ये वाटरफॉल। अरे इधर देखो सब, और गुड़िया मैम, गुड़िया मैम का है, अरे कुछ बोलिए, होली के कलर खेल रहे हैं हम लोग, खेलते खेलते मुकुंद में आ गए वाटरफॉल घूमने के लिए, इसमें तो सब है बहुत मजे की, लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है थोड़ा सा, कला निकालो, ये देखिए गाड़ी दे, आहा इधर गलत बात, जगीरा सारा रा रा, अरे सर भी छोड़ दिए छोड़ दिए, आवा यार आवा, मैडम लोग चलिए, चलिए
हुआ मैडम। कैसे घर चला है क्या हो रहा है ये क्या है कौन है ये कौन है ये कौन है ये कौन है ये बहुत बढ़िया सारी सारी हरकतें हम पानी बहुत ठंड है तरीके की लेट हो गया अभी ढाई तीन होगा ये जो लोग ये हैं ये दोनों पानी में ना जाने वाला आदमी बिल्कुल उसका नाम है नहीं, तो अभी हम चिल चिल कर रहे हैं इतना चिल है कि यहाँ कोल्ड ड्रिंक रखते ही चिल हो जाती है और बियर का तो पूछिए ही मत। आए हैं हम लोग मूपुन वाटरफॉल में। शुरुआत में आए थे कि आकर आकर रुको थोड़ा सा रुको यार अरे अभी सुन रहे हैं कार्ड हटवाया आराम से कैमरामैन ये पानी उड़ाते हुए हर तरफ से हर हर महादेव तो नहा लिया हो आप, खाने का बारी है तो खाने का इंतजाम यहाँ पर ही है। मैं यार ये देखो नमकीन वगैरह बहुत सारे चीजें हैं मौसम और ये पनीर अभी खुला पूरी सब कुछ है और ये हमारा हीरो हुआ दोनों देखो सेम टी शर्ट ऑरेंज मैन। अरे यार भगवान भाई यार आदमी मुझे आप बताइए आपका जो एक्सपीरियंस बहुत शानदार जबरदस्त मजा आ गया। जब तक आपका एक्सपीरियंस ना रहे तब तक ब्लॉग मेरा खत्म नहीं होता है कंप्लीट नहीं होता है मेरे बगैर तो ये और मैं झुकेगा नहीं कभी झुकेगा नहीं। रास्ते लग के करो तैयारी आ रहे हैं भगवान खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर वापस जाएंगे। हमारा आलू बड़ा क्या चीज बताइए ये क्या है? पुआ है मालपुआ। अच्छा मालपुआ मैं बोला पुआ क्यों बोल रहे हैं माल बोलिए ये है मालपुआ खाइए मस्त से बिहार का ट्रेडिशनल खाना होली का मजेदार है बढ़िया आलू बड़ा आलू बड़ा इसमें डाला गया आलू खड़ा खड़ा बंगाल का है और इधर देखिए हम पूरा एकदम दही बड़ा लेकर आए हैं अंदर डालिए यस उधर अभी चटनी नहीं पड़ी सर देखा ये कुछ थोड़ा सा ले के और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं हम आपके परिवार नहीं बोलने का टाइम नहीं है हम खाते हैं हम हैं इन सभी को टेस्ट करके बताने वाले कौन सा ज्यादा अच्छा है घुमाइए घुमाइए घुमा
अरे गिरिया मत हो, ये अच्छा लगेगा। चले सामान लेके आप ऊपर चढ़ाई होगा। तो गाइस पैकिंग हो गया, आप फिर यहाँ से ऊपर जहाँ पर अपना बाइक पार्क किए थोड़ा सा ट्रेक करके जाएंगे और फिर वहाँ से जाना है जेएनबी मुखला जो कि 35 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलिए फिर से एक और एक ट्रेक शुरुआत करते हैं, वापसी करते हैं। तो ग्रुप पूरा रेडी है, फिर से एक बार देख लो ये वाटरफॉल, पानी बहुत कम है। आप सितंबर में आएंगे तो पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, तो मार्च में तो पानी बिल्कुल नहीं है। अगर ठीक है फिर चलते हैं, चलो बाय, वी विल विजिट अगेन, बाय मुकुंद। आ जाओ साहब, बाय कर दो। ऑलमोस्ट 4:30 हो रहा है टाइम, तो पहुंचे थे 1:30-1:40 इसी टाइम में, तो लगभग 3 घंटा यहाँ पर बिताया। फिर अपना जो जर्नी फिर से हो गया, ट्रेक शुरुआत, 10-15 मिनट ऊपर चढ़ने में लगेगा। हम सर बहुत डर लग रहा है, जिंदगी नहाने जा रहे थे, आराम से आराम से चले। अरे घर चलिए, जहाँ से दबा देंगे, जाने का टाइम तो लगेगा, चढ़ाई है थोड़ा सा लग रहा है। जय हनुमान। अरे देखो सुई सर रुको, यहाँ से थोड़ा गिर के दिखाइए, गिर के दिखाइए, अनाड़ी है। तो आज का जो सफर था वो लगभग खत्म होने वाला है और यहाँ से फिर जाएंगे अपना जेएनवी यानी अपना जो स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग था आपको अच्छा लगा है, तो भाई ये जो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नया वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये पगला।